चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर मां ज्वाला जी दरबार में घट स्थापना के 9वें माह का विशेष दिव्य श्रृंगार का अलौकिक दर्शन सुबह से प्रारंभ हुआ। कन्या भोज के बाद विशाल भंडारा प्रसाद वितरण का भव्य आयोजन अनवरत पूरा दिन चलता रहा। दोपहर से मां ज्वाला की पूजा अर्चना के बाद ज्वारा जुलूस निकालने की तैयारी हुई, जिसमें मां काली नृत्य प्रस्तुत करते हुए मां ज्वाला मंदिर से छोर छत्र नदी में हजारों जवारी कलश का विसर्जन किया गया। मां ज्वाला जी की संध्या आरती के साथ ही रात्रि 9 बजे से मां शारदा देवी ग्रुप जबलपुर के प्रसिद्ध गायक बाली ठाकरे, रीजा खान व उनकी टीम द्वारा मां का जगराता प्रारंभ हुआ, जिसमें मां ज्वाला धाम शक्तिपीठ ऊंचेहरा के संस्थापक प्रधान पुजारी जी ने सभी भक्तों से अपील की है कि मां ज्वाला दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। पुलिस अधीक्षक उमरिया एवं एडिशनल SP नौरोजाबाद, नगर निरीक्षक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एवं जिले के सभी पुलिस बल मौजूद रहे। हालांकि मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तों से भर गया, जिससे हर कई जिलों में भक्तों का आगमन हुआ है। उमरिया से हुकुम सिंह राजपूत, CID न्यूज, मध्य प्रदेश। और हर बस की बात इस बस की जवारा जुलूस है, लोग जिनकी मन्नत थी वो मन्नत लेके आए, जिसकी अर्जी थी उनकी अर्जी पूरी हुई, इसीलिए आज हमारे मरीज के जो माँ ज्वाला के धाम में लोग दूर दूर से आए और बड़े हर्षोल्लास से खुशियों के साथ जवारा विसर्जन किया गया। इसमें हमारे प्रधान पुजारी जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, पूरी तरह से सहयोग व्यवस्था बहुत अच्छी रही और हमारे आम जनमानस का भी सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? हमारे उचेरा धाम में मेरा नाम कल्याणी वाजपेयी है और मैं शहडोल से आई हुई हूँ। मैं उचेरा धाम में आई हुई ज्वाला माई की दरबार में, और ये दरबार बहुत ही विशाल और पुनीत है। यहाँ पर सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी जानकारी हुई थी। कई वर्षों से मैं आ रही हूँ और यहाँ पे जो आपका पूरन मस्जिद पे सोमवार पे जो चौरा लगता है, विशेष उसका महत्व जब मुझे पता चला और वाकई में मैंने ये पाया है अपने अपने अनुभव हैं लोगों के अनुभवों के साथ में। ये बहुत ही सिद्ध मठ और मंदिर और सिद्ध माता है कहना चाहिए। शक्ति पीठ में ऐसा कोई पीठ आसपास नहीं मुझे मिला कि जहाँ पे आए और खाली हाथ जाए। बोलिए ज्वाला मैया की जय। माँ का दरबार आस्था और विश्वास का है। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ भक्तों की, लाखों भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी भक्त आता है माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ जो भी भक्त जो अपनी मुरादें लेकर आते हैं माँ उनकी मुरादें पूर्ण करती है। ये हमारे देश का एक तो हिमाचल प्रदेश में है ज्योति के रूप में ज्वाला, अब ज्वाला माँ का कहना कि ये मेरा दूसरा रूप पिंडी के रूप में है। मैं यहाँ पिंडी के रूप में अवतरित हुई हूँ और मेरे दरबार में जो भी भक्त आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ के आप सेवादार देखे होंगे तो यहाँ के सेवादार इतनी अपने दिल से लगकर सेवा करते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। जितने भी यहाँ भक्त आते हैं सेवादारों के और यहाँ की साफ सफाई से सब खुश रहते हैं। बोलिए ज्वाला मैया की जय। कहाँ से आते हैं आप? मैं आया हूँ बांधवगढ़ मानपुर। कहाँ आए हैं आप? मैं यहाँ धाम। कितने वर्षों से आ रहे हैं? क्या आपकी मनोकामनाएं हैं? हम उमरिया में हैं, भाई भाभी हमारे जो भंडारा कर रहे हैं पाली के। हम 12 साल से आ रहे हैं, 13 साल से। 12-13 साल से आ रही हैं। हमको पुत्र चाहिए था तो पुत्र की मनोकामना से आए थे तो माता रानी ने पूर्ण किया। हाँ, भंडारा भी करे थे यहाँ, उनके नाम से भंडारा भी करवाए थे और माता रानी बहुत अच्छे से पूर्ण की। मलय ज्वाला मैया की माँ ज्वाला धाम शक्ति के दुचेरा में आज कलश जवारा विसर्जन सम्पन्न हुआ। अब कुछ ही समय पश्चात माता रानी के दरबार में देवी जागरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी गायिका हैं बाली ठाकरे एवं ऋचा खान, जो माँ शारदा देवी जागरण ग्रुप जबलपुर से आए हुए हैं। उनका कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। कार्यक्रम अच्छे से सम्पन्न हुआ। सभी का स्नेह प्रेम आशीर्वाद, शासन प्रशासन मीडिया पत्रकार सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग था और सभी के लिए मंगल कामना करते हैं कि इस तरह सब लोग सहयोग करें, माता रानी का भव्य दरबार सजा रहे, बस यही कामना है। सभी को जय माता दी, जय माता दी।